मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आजकल चर्चाओं में है। ये चर्चा नागपुर से शुरू हुई जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने कहा कि जब बागेश्वर धाम सरकार को चमत्कार साबित करने के लिए चुनौती दी गई है तो कथा बीच में ही छोड़कर वो चले गए। इसके बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी बयान सामने आया। उन्होंने चुनौती देने वालों को रायपुर बुलाया जहां अभी उनकी रामकथा भी चल रही है। शुक्रवार को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कई मीडिया कर्मियों के सामने चमत्कार करने का दावा किया। एक नेशनल न्यूज चैनल के रिपोर्टर के चाचा का नाम लेकर उन्हें मंच पर बुलाया। अब वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के अनुयायी इसे चमत्कार मानते हैं। ऐसे में आज हम बताएंगे कि आखिर ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं कौन, पूरा विवाद क्या है, बागेश्वर धाम क्या है, क्या सच में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास कोई दिव्य शक्ति है, ये इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ये विवाद है क्या। दरअसल बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के दौरान लोगों की समस्याएं सुनने और उनका समाधान करने का दावा किया जाता है। कहा जाता है कि भूत प्रेत से लेकर बीमारी तक का इलाज बाबा की कथा में होता है। बाबा के समर्थक दावा करते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार इंसान को देखते ही उसकी हर तरह की परेशानी जान लेते हैं और उसका समाधान करते हैं। वहीं बागेश्वर धाम सरकार का कहना है कि वो लोगों की अर्जियां भगवान यानी कि बालाजी हनुमान जी तक पहुंचाने का जरिया मात्र है, जिन्हें भगवान सुनकर समाधान देते हैं। इन्हीं दावों को नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने चुनौती दी। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। अब आपको बताते हैं कि बागेश्वर धाम का आखिरकार इतिहास क्या है। दरअसल छतरपुर के पास एक जगह है गढ़ा, यहीं पर बागेश्वर धाम, यहाँ बालाजी हनुमान जी का मंदिर है। हर मंगलवार को बालाजी हनुमान जी के दर्शन को भारी भीड़ उमड़ती है। धीरे धीरे इस दरबार को लोग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से पुकारने लगे। यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना बताया जाता है। 1986 में इस मंदिर का रेनोवेशन कराया गया था। 1987 के आसपास यहाँ एक संत बब्बा जी सेतु लाल जी महाराज आए। इनको भगवान दास जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। धाम के मौजूदा प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भगवान दास जी महाराज के ही पौत्र। इसके बाद 1989 के समय बाबा जी द्वारा बागेश्वर धाम में एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया गया। 2012 में बागेश्वर धाम की सिद्ध पीठ पर श्रद्धालुओं की समस्याओं के निवारण के लिए दरबार का शुभारंभ हुआ। इसके बाद धीरे धीरे बागेश्वर धाम के भक्त इस दरबार से जुड़ने लगे। दावा होता है कि यहाँ आने वाले लोगों की समस्याओं का निवारण किया जाता है। अब आपको बताते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आखिर हैं कौन और उनके बारे में जानना क्यों जरूरी है। दरअसल अभी बागेश्वर धाम की बागडोर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास। पंडित धीरेन्द्र का जन्म 1996 में छतरपुर जिले के गड़ागंज गांव में हुआ था। इनका पूरा परिवार अभी भी गड़ागंज में ही रहता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दादा पंडित भगवान दास गर्ग भी इस मंदिर के पुजारी रहे। कहा जाता है कि पंडित धीरेन्द्र का बचपन काफी कठिनाई में बीता। जब वो छोटे थे तो परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि एक वक्त का ही भोजन मिल पाता था। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पिता का नाम राम कृपाल गर्ग और माँ सरोज गर्ग। धीरेन्द्र के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग जी महाराज हैं, वो भी बालाजी बागेश्वर धाम को समर्पित। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने 11 साल की उम्र से ही बालाजी बागेश्वर धाम में पूजा पाठ शुरू कर दी थी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दादा ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा ली थी। इसके बाद वो गड़ागंज पहुंचे थे। अब आपको बताते हैं गदा लेकर आखिरकार चलते क्यों हैं बागेश्वर बाबा। दरअसल बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा एक छोटी गदा लेकर चलते हैं। उनका कहना है कि इससे उन्हें हनुमान जी की शक्तियां मिलती रहती हैं। वो हनुमान जी की आराधना करने के लिए लोगों को प्रेरित भी करते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि वो किसी तरीके का कोई चमत्कार नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ बालाजी हनुमान जी के सामने लोगों की अर्जियां लगाते हैं जिसे बालाजी स्वीकार कर लेते हैं। इससे आम लोगों को फायदा होता है। अंधविश्वास का विवाद सामने आने के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि वो अपने दरबार में किसी को बुलाते नहीं है, लोग खुद की मर्जी से आते हैं, वो तो सिर्फ लोगों की अर्जियों को भगवान के सामने रखते हैं, बाकी सब कुछ भगवान की तरफ से ही होता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार जिन लोगों ने बाबा बागेश्वर को चैलेंज किया या जो लोग पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर उंगली उठा रहे हैं, क्या उन लोगों को ये पता है कि यहाँ पर वो जो भी निवारण करते हैं वो निःशुल्क करते हैं। अगर उन्हें पैसों के लिए ही करना होता तो वो कब का कर चुके होते। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।